Morning, dear students. How are you? I hope all are okay at home. Today, I'm here to give some tips to improve our speaking in English. कैसे हम अपनी English talking skill को बढ़ाएं? First, at least 5 words you should remember every day. रोज 5 नए इंग्लिश के वर्ड्स आपको लर्न करने हैं. सेकेंड टिप, दीज 5 वर्ड्स यू हैव टू यूज इन योर ओन सेंटेंसेस. आपको अपने 5 सेंटेंसेस में ये जो वर्ड्स आप नए वर्ड्स जो लर्न करोगे वो यूज करना है. थर्ड, यू हैव टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स एट फर्स्ट. आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके लेवल के जो बच्चे हैं, आपके जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनसे आप इंग्लिश में बात करें. और फोर्थ वन, ये जो वर्ड्स हैं वो आप रोज के बोलचाल में यूज करें. वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, ये सारे आपको आते हैं, तो आप घर पे ये वर्ड्स को बार बार बोलें. बेटे, जिस प्रकार से आपकी मदर टंग है मराठी या हिंदी, उसी प्रकार से इंग्लिश भी आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो, लेकिन बोलने के लिए सुनना जरूरी है. आप जानते हो कि हम इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल सकते हैं, या आप अपना मदर टंग अपना मराठी इतने अच्छे से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि हमने अपने सराउंडिंग में ये मदर टंग बार बार सुनाई दी है हमको, है ना. घर पे अपने पेरेंट्स से हमने सुना है, मोहल्ले में सारे लोग वही भाषा बोलते हैं, इसीलिए हमको सुनकर बोलना जल्दी आ गया. इंग्लिश लैंग्वेज तो यहाँ बोली नहीं जाती है ना, बहुत कम उसका उपयोग होता है, इसीलिए हम लोग फ्लुएंटली नहीं बोल पाते. तो हम क्या करेंगे? फिफ्थ टिप है कि आप लोगों को एटलीस्ट हाफ एन आवर इंग्लिश न्यूज सुननी चाहिए, या इंग्लिश में जो भी आप कार्टून देखते हैं ना, कार्टून तो सब देखते हैं, तो इंग्लिश में आप लोग कार्टून देखें और समझने का कोशिश करें बेटा. उसके बाद आप रीडिंग इंग्लिश में करें, और कई बार यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप सुने मोबाइल में, आप जिस प्रकार से अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ना, उस प्रकार से हर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत स्पेशल तरीके से समझाकर बताया गया है,